भारत के हिस्से में एक और बड़ी कामयाबी आ गई है। आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत इन तस्वीरों में कैद है। भारतीय नौसेना ने 15 अगस्त को स्वदेशी खोज और बचाव किट 7 का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया। ये उसी की तस्वीरें हैं। सात किट भारतीय नौसेना को तट से विस्तारित दूरी पर जीवन रक्षक मिशन निभाने की क्षमता प्रदान करती है। हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को ये किट मजबूत करती है। आगरा में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित SAR किट में 8 लोगों की क्षमता है, जिसमें 15 दिनों तक का भोजन शामिल है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एयर ड्रॉप गोवा में हुआ है, जिसमें INS हंसा स्थित भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 से P-8I विमान द्वारा किया गया। ADRDI वैज्ञानिकों की उपस्थिति में गोवा से यह ड्रॉप किया गया। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इसे एक उपयुक्त कामयाबी के तौर पर देखा गया। आगरा की ADRDI वायु गतिकीय डिसेलरेटर और एरोस्टेट प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की एक अग्रणी अनुसंधान प्रयोगशाला है। प्रतिष्ठान के कर्तव्यों के चार्टर में पैराट्रूपर पैराशूट सिस्टम, एयर क्रू पैराशूट सिस्टम, गोला बारूद पैराशूट सिस्टम, ब्रेक पैराशूट, रिकवरी पैराशूट सिस्टम, हवाई डिलीवरी पैराशूट सिस्टम, हैवी ड्रॉप सिस्टम, इन्फ्लेटेबल सिस्टम, एयरशिप टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट अरेस्ट बैरियर सिस्टम जैसे का विकास शामिल है। ADRDO ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के साथ मिलकर हाल ही में ड्रॉप पैराशूट परियोजना परीक्षणों की भी एक श्रृंखला का सफलतापूर्वक संचालन हाल ही के दिनों में किया था। इससे गगनयान मिशन को बल मिलेगा। वहीं जिस तरीके से समुद्री ताकत में भारतीय नौसेना ने एक इजाफा किया है 7 किट का परीक्षण करके, वो वाकई में बताता है कि किस तरीके से भारत अपनी नौसेना की शक्ति को लगातार बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से विमान से इस किट को एयर ड्रॉप किया जाता है और ये सफलतापूर्वक पानी में जाके लैंड कर जाता है। इसके जरिए कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं, जिसमें 8 लोग शामिल हो सकते हैं और ये किट 15 दिन तक वहाँ सस्टेन करेगा। वहीं इस किट में 15 दिनों तक का भोजन भी शामिल है, जिसमें उससे बैठे लोग लंबे वक्त तक सर्वाइव कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।